हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आप लोग से मिलना हुआ। देखिए कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं आपके लिए आज बेसन की सब्जी बना के लेके बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए बेसन का इतना पतला घोल हमने नमक और हल्दी डाल के इसको घोल के पहले से रखा है। दो चार मिर्च फ़ोरन के लिए, और ये हमारा टमाटर, और ये पपड़ा हमने तवे को हीट कर लिया है। उसके बाद जो इस चमचे की मदद से हमने इसे अच्छे से फैला लिया है डोसा की तरह। ये देखिए बहुत सिमिलर आँच पे। और ये देखिए हमारा तेल, एक साइड हमने तेल को चढ़ा दिया है, कढ़ाई पे गर्म हो चुका है, बहुत ही हीट हो चुका है। अब हम इसमें मेथी का फ़ोरन डालेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, हमने इतना पचफोरन लिया है, अब हम इसको डाल देंगे। देखिए खूब अच्छे से तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये हमारी मिर्च, ये भी डाल देंगे, ये भी चटकने लगा है। थोड़ा सा चटकने के बाद अब हम इसमें चना तैयार कर देंगे। देखा है आपको, बहुत ही अच्छा इसका साउंड आ रहा है। ये देखिए हमारा पपड़ा हल्का हल्का फूलने लगा है। अब हम इसको चमचे की मदद से हल्का हल्का करके इसे रोल कर लेंगे। देखिए अगर ये हमारा गर्म होगा ना, अच्छे से हीट होगा ना, तब आप ये खुद ब खुद छोड़ देगा। सिमिलर आंच पे रखने से छोड़ेगा। देखिए छोड़ दिया है, हमें कुछ ज़बरदस्ती इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है आप लोगों की तरह, है ना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे हमें इसे टर्न आउट करते जाना है। ये देखिए दिख रहा है गाइस, ऐसे करते करते हम अपने घर में फैमिली मेम्बर के हिसाब से सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। दिख रहा है भाई, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सारे रोल बना कर तैयार कर लेंगे, और ये देखिए हमारा ये हल्का हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए मसाले में हमने पीस के रखा है 2 चम्मच जीरा, 2-3 चम्मच सरसों, 2-3 पोट लहसुन की, जीरा हो गया, लहसुन, मिर्च, सरसों, और टमाटर तो हमने थोड़ा सा इसमें पीस के रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रेडनेस है। आप चाहो तो रेड चिल्ली भी इसमें डाल सकते हैं बेटा। और जीरा, मिर्च, लहसुन, मिर्चा हमने इसमें डाल के पीस के रखा हुआ है। थोड़ा सा हींग भी आप डाल सकते हो। सरसों भी हमने डाला हुआ है, आपको बता ही दिया 3 चम्मच। अब हम इसको मसाले को इसमें, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हम इसको चलाएँगे और इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे और इसको ढक के 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे एकदम मीडियम आंच पे। आप गाइस देख सकते हैं ये हमारा सीख गया है। इस तरह हम अपने घर में लोगों के हिसाब से 6-7 बना के रख लेंगे। और ये देखिए मसाला हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इसमें इतना नमक डालेंगे, मैं तो अपने सब्जी के हिसाब से डाल रही हूँ, कम ज़्यादा कर सकते हो आपको। हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें नमक कम डालना है, क्योंकि आपने इस लिक्विड में भी नमक और हल्दी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसे दिखाऊंगी फ्राई होने के बाद। देखिए गाइस, हमने तवे पे हल्का सा तेल डाल दिया है, एक पपड़ा तो हम बना चुके थे ना। ये देखिए रोल, और ये देखिए ये हम इसे भी डाल चुके हैं। हल्का हल्का तेल डाल के इसे फैलाना है, आप इससे भी कम तेल डाल सकते हो। और फिर इसे हम तवे पे डाल के अच्छे से डोसा की तरह फैलाएंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है, अब अपने फ्लेम को हाई करेंगे और धीरे धीरे डोसा की तरह हम इसे फैलाएँगे, बिल्कुल आराम से फैलाएंगे। एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, वरना ये हमारा टूट जाएगा। फैलाते वक्त हीट एकदम तेज़ रखना है गैस का, ताकि ये मोटा ना हो, एकदम पतला लेयर हो। डोसे की तरह पतला होगा तो ये सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगा, मोटा मोटा उतना अच्छा नहीं लगता। आप चाहो तो चने दाल का बना सकते हो, बट मुझे चना दाल वाला उतना पसंद इसलिए नहीं कि मोटा मोटा उसका बनता है रोल, इस वजह से मैं ज़्यादा। देखिए फैलने के तुरंत बाद ही आपने हीट एकदम स्लो कर देना, एकदम स्लो। अब 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना, खुद ही छोड़ देगा। हेलो गाइस, ये देखिए हमारा सेकंड वाला भी रोल बन गया। अब सारे रोल बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारा सब्जी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए वाव, बिल्कुल फिश के तरह। जो फिश खाता है उसके लिए तो बहुत सही, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए भी सही है ना। देखिए कितना खूबसूरत। जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़े तब तक हमें इसे फ्राई करना है, खूब अच्छा डीप फ्राई। देखिए गाइस, हमने थर्ड वाला भी फैला दिया है। ये देखिए कितना प्यार से खुद ही छोड़ दे रहा है, दिख रहा है डोसा की तरह, बिल्कुल डोसा की तरह। अगर आपका गैस का फ्लेम एकदम सिमिलर होगा, एकदम सीम पे होगा, तभी ऐसा होगा, वरना आप चाहोगे जल्दीबाजी में कि इसे
हाई फ्लेम पे फटाफट इसे रोल करके फटाफट सब बना के रख लूँ तो सही नहीं होगा उतना। बाकी आपका एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप बनाते हो और आप कैसे बनाते हो, हमें बताइए ताकि हम भी अपने घर पे आपका वाला भी आइडिया ट्राई करें एक बार। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जब ये ऐसे रोल कर लेंगे ना तो हाई फ्लेम करके और इसे हम दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ही हमारा सब्जी होने वाला है, पता है अभी से भी मज़ा आ रहा है। सोचिए खुद को इतना माइंड ब्लोइंग आ रहा है ना, क्या ही बोलूँ। गाइस देखिए हमारा सब्जी कितना खूबसूरत लग रहा है। तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है और करीबन 5 मिनट हमें इसे भूनना पड़ेगा। मैं बहुत आराम आराम से इसे भून रही हूँ। कलर इतना प्यारा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर को पीसा है। हरी मिर्च पीसने के बाद ना कलर अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं इसमें टमाटर पीस रही हूँ ताकि कलर इसका खूबसूरत लगे। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। धनिया पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल हो तो सब्जी तैयार होने के बाद उस पर छिड़क सकते हो, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो धनिया। देखिए गाइस हमारा ये मसाला एकदम फ्राई हो चुका है, एकदम तेल छोड़ दिया और नीचे देखे चिपकने लगा है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। जब तक पानी बॉईल ना हो जाए तब तक हम ये पीसेस नहीं डालेंगे। पीसेस देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम हुए हैं, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में से काट के रखा हुआ है। अभी बन रहा है हमारा, इसलिए हम इतना काट के रखे हुए हैं, आप एक साथ भी काट सकते हो। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में आप जिस शेप में काटना चाहो आप काट सकते हो, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। देखिए हमारा और भुनेगा, देखिए तेल हमारा दिख रहा था ना जब हमारा फ्लेम बहुत कम था तो, अब नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हमारा और भुनेगा। देखिए गाइस हमारा मसाला भून चुका है, मसालों ने पूरा तेल छोड़ दिया और नीचे चिपकने ही लगा है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बहुत नहीं इसे खोलाना है, बस 5 मिनट खोलाना है, उसके बाद उसमें सारे पीसेस को हमने ऐड कर देना है। दिख रहा है आपने? देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मसाला हमारा भून के तैयारवादार हो चुका है। अगर हमारा ये डिश आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। ये देखिए इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो पानी ऐड, जिसको थिक ग्रेवी खाना है वो पानी कम डालेगा, जिसे पतला ग्रेवी खाना है वो पानी ज़्यादा डालेगा, बट हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना। और जो आप किचन किंग वाली सब महिलाएं हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस चीज़ में कितना पानी डालना बेस्ट होगा। देखिए ये हमारा गाढ़ा है ना, थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करें क्योंकि इस बॉयल होने के बाद इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। देखिए गाइस हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है, ये हमारा बॉयल नहीं हो रहा है। अब हम इसे ढक देंगे, जब ये हमारा बॉयल होने लगेगा 5 मिनट तक कम से कम बॉयल होगा, उसके बाद हम इसमें पीस को ऐड करेंगे। हमने जैसे आपको बताया था, अब खाइए और हमें बताइए कैसा लगा। ओके देखिए गाइस टोटल हमारा 7 रोल बन के तैयार हो गया है। हमने इसे काट के पहले से रखा है, अब मैं इसे काटूंगी और कैसे काटूंगी एक अच्छा सा टेक्निक आपको बता रही हूँ। ठंडा होने के बाद, गर्म नहीं काटना है वरना ये टूट जाएगा। ऐसे सब इक्वल साइज़ के होंगे, ऐसे एक छन्नी की मदद से ऐसे, दिख रहा है आपको? देखिए ये हमारा साइज़ सबसे परफेक्ट साइज़ होता है और ये लास्ट वाला हम थोड़ा बड़ा ही रहने देंगे वरना बहुत छोटा होने के बाद ख़राब हो जाओ। अब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। हाँ देखिए दिख रहा है आपको, बॉयल हो रहा है। 5 मिनट तक बॉयल होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे और गर्मा गर्म सबको सर्व करेंगे और आपको भी खिलाएंगे। देखिए गाइस हमारा पानी बहुत अच्छे से 5 मिनट तक खोल चुका है। अब हम इसमें सारे पीसेस को ऐड कर देंगे और ये जो हमारा बेसन लगा है ना इसमें ही हम इसे धुल देंगे ताकि थोड़ा सा थिकनेस यानी गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। ओके देखिए बहुत नहीं खोलाना है हमें, पानी को बहुत खोलाना है बट ये पीस डालने को तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं खोलाना है। देखिए जैसे खोल रहा है मैं बस इसे डालते जा रही हूँ। डालने के बाद जैसे मैं सब इसमें ऐड करूँगी ना इसका हीट टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये कम हो जाएगा खोलना इसका। ये देखिए बस एक बार बॉईल होगा और हम इसे बंद कर देंगे तभी ये हमारा खड़ा खड़ा दिखेगा, वरना सारा हमारा ये ना खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। गाइस आप कैसे बनाते हो? ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा सब्जी बनाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों को खिलाना है, हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो हमें बहुत लोगों को खिलाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बनाई हूँ। आप देख लीजिए, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, दिख रहा है? बस
एक बार बॉईल होगा अच्छे से हम इसे बंद कर देंगे और टेस्ट कर लीजिएगा आप नमक इसका। बाय गाइज, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।